इट इज़ यूज वेन वी चेक द सेम सैम्पल ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ केसेज इन मेयर द्री और मोर डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम अंडर द डिफरेंट कंडीशन एज इन क्रोस्कल वैली इज़ द फॉर्मूला फॉर द टेस्ट इन वॉल्स द रैंक्स बिल्कुल उस क्रुस्कल वैलीस में मानविटनी में हमने रैंक्स में कन्वर्ट करते हैं इसी तरह एज फ्रेडमेंट टेस्ट के अंदर भी हम स्कोरस को जो थ्री कंडीशन में ऑफ कोर्स अगर हैं तो हम उनको सारों को रैंक्स दे लेते हैं और फिर हम उसके बाद उनके फॉर थ्री लेवल्स मीडियम रैंक्स कैलकुलेट कर लेते हैं और उन्हीं के ऊपर हम टेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं थ्रू फॉर्मूला फ्रिडमैन अनोवा इज यूज टू काउंटर एक्ट द प्रजेंस ऑफ अनयूजल केसेज और वेन वन ऑफ द एज्पशन हैज बीन वेटेड ऑफ कोर्स हमारी जब इनोवा के एजाम्शन मीट नहीं हो पा रही तो फिर हमारी uh, जो चॉइस है दैट इज फॉर रिपीटेड मेयर्स फ्रिडमेन टेस्ट इन दिस टेस्ट वी नीड वन सैम्पल ऑफ पार्टिसिपेंट्स मेयर डॉन दिस सेम स्केल और मैर एट थ्री डिफरेंट टाइम पीरियड्स और अंडर थ्री डिफरेंट कंडीशंस, तो कोर्स हमारे पास रिपीटेड मैर है तो हम उनको थ्री डिफरेंट पीरियड ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस में थ्री डिफरेंट टाइम्स में टेस्ट करेंगे uh, इसको भी हम मेरे ख़्या से हम स्पेसिस में सॉल्व करते हैं क्योंकि यू शुड ओनली अंडरस्टैंड एंड नो कि हमारे पास अल्टरनेटिवस मौजूद हैं अगर हमारी पैरामीट्रिक एग्जाम्पन्स फुलफिल नहीं हो रही तो फॉर ऑलमोस्ट ईच टेस्ट वी है

तो so, हम um, उसी एग्जाम्पल को लेकर के एस्पी में सॉल्व करते हैं और हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा कि क्या फियर ऑफ स्टेटिस्टिक्स रिड्यूस हुआ है ओवर द टाइम पीरियड यानी इंटरवेंशन से पहले इंटरवेंशन के बाद और फिर फॉलोअप में या फिर नहीं सो so, इसमें भी हम पहले एसपीएस में इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसी ट्यूटोरियल को जा के समझ लेते हैं सो so, हम इसमें एक्सपेरिमेंट का डेटा मैंने खोल दिया है और अब हम इसके अंदर वैसे ही एनालाइज में जाएंगे नॉन uh, पैरामेट्रिक में जाएंगे ये ऑलरेडी हमारे पास मैं आपको वेरिएबल्स दिखा देती हूँ कि हमारे पास हैं फियर ऑफ स्टार्ट टाइम वन के ऊपर फियर ऑफ स्टार्ट टाइम टू के ऊपर और फियर ऑफ़ स्टार्ट टाइम थ्री के ऊपर सो सिंपली यही तीन हमें वेरिएबल्स चाहिए सो नॉन पैरामेट्रिक के अंदर लेगेसी डायलॉग के अंदर आप जाएंगे और आप कहेंगे के रिलेटेड सैंपल यानी मोर देन टू बट रिलेटेड या फिर रिपीटेड मेयर जिसको हम कहते हैं वो है तो इसके अंदर हमारी टेस्ट वेरिएबल्स में हम वो तीनों लेवल्स डाल देंगे फियर ऑफ स्टार्ट टाइम वन फियर ऑफ स्टार्ट टाइम टू एंड देन फियर ऑफ स्टार्ट टाइम थ्री इसके अंदर आपने मेक श्योर sure करना है कि हमारा फ्रेडमेंट टेस्ट जो है वो ऑलरेडी चेक हुआ हुआ है स्टेटिस्टिक्स के अंदर इसमें आप चाहे तो डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेट कर लें लेकिन ना भी करें तो वो हमें जरूरत नहीं है लेकिन एनी आई हैव चेक्ड इट हम ओके बटन हिट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट फाइल में देखते हैं ये हमारे डिस्क्रिप्टिव आ जाते हैं जिसके अंदर उसने हमें मीन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन मिनिमम मैक्सिमम दे दिया हुआ है और इसके अंदर उसने हमें परसेंटाइल्स भी दे दिए हुए हैं यानी रैंक्स भी दे दिए हैं ट्वेंटी फिफ्थ के ऊपर कौन सा स्कोर है फिफ्टी परसेंटाइल के ऊपर और सेवनटी फिफ्थ परसेंटायल के ऊपर हमारा स्कोर कौन सा है ये हमारे मीन रैक्स है टाइम वन के ऊपर जो हमारा है फियर ऑफ स्टेटिस्टिक्स टू पॉइंट सेवन एट टू पॉइंट जीरो थ्री और टाइम थ्री के ऊपर वन पॉइंट वन एट जिसका मतलब है कि हमारा ग्रेजुअली फियर ऑफ स्टेटिस्टिक्स कम हुआ है और ये हमारी मेन जो का वैल्यू है दैट इज द फ्रेडमेन टेस्ट वैल्यू जो कि 41.568 है और यही हमने मेनली रिपोर्ट करनी होती है और ये हमारा पी वैल्यू है विच इज लेस देन 0.01, 0.05 तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो हाईली सिग्निफिकेंट हैं इन टर्म्स ऑफ के क्या टाइम वन टाइम टू टाइम थ्री के ऊपर फीयर ऑफ स्टेटिस्टिक्स कम हुआ है कि नहीं हुआ और गोइंग बैक टू दिस ट्यूटोरियल हमने यहाँ पे ऑलरेडी वो मैंने सारा बता दिया कि हमने इस तरह इस टेस्ट में गए नॉन पैरामेट्रिक में तीनों को हमने सेंड किया उसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव चेक किए ओके बटन हिट किया और हमारे पास डिस्क्रिप्टिव भी आ गए और हमारे पास टेस्ट वैल्यू भी आ गई फोर्टी वाली और रिजल्ट हमारे हाईली सिग्निफिकेंट है बिकॉज पी इज लेस देन पॉइंट जीरो अच्छा इसमें भी कंपेयर मीन रैंक्स के लिए अगेन हमने इसके अंदर मीन रैंक से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रेजुअली इसके अंदर कम हुआ लेकिन हम पोस्ट हॉक एनालिसिस इसके अंदर नहीं कर सकते यानी हम exactly एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ग्रुप वन और ग्रुप टू और ग्रुप थ्री में से कौन से दो ग्रुप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं तो वंस वी कैलकुलेट द फ्रेडमेन वैल्यू एंड वी कंक्लूडेड के देर इज अग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द थ्री ग्रुप्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैल्कुलेट कि कौन से दो ग्रुप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं यानी वी विल बी मूविंग टू पोस्ट हॉक लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की इंडिपेंडेंट अनोवा के अंदर भी कि नॉन पैरामीट्रिक में पोस्ट हॉक की ऑप्शन नहीं बल्कि अगर आपने करना है तो फिर आपको उसका पेयर वाइज कंपैरिजन करना पड़ता है और इस सूरत में हमें पेयर वाइज विल कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर ईच पेयर सो so, ग्रुप वन एंड टू टू एंड थ्री एंड वन एंड थ्री के दरम्यान लेकिन चूंकि अगर हम दो 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 के पेयर बना के कंपेयर करेंगे तो हमारी एरर इंक्रीज हो जाती है तो हमें उसके लिए एरर को करेक्ट करने के लिए हमें बॉन फेरोनी करेक्शन फैक्टर या एडजस्टमेंट फैक्टर लगाना पड़ेगा बट सिंपली इसके अंदर हम इतनी भी इंफॉर्मेशन काफ़ी है कि आपको फ्रेडमेंट uh, टेस्ट बताता है कि रिपीटेड मेयर मेयरोवा में से uh, तीन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि सिग्निफिकेंटली इज़ देर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन थ्री ग्रुप्स और नॉट सो फाइनली हाउ वी रिपोर्टिंग द रिजल्ट फ्राम द फ्रेडमेंट टेस्ट अगेन uh, वही वाला फॉर्मेट है ए ए के मुताबिक आप उसमें रिपोर्ट करेंगे कि The test indicated that there was a statistically significant difference in fear of statistic test score across three time points pre intervention, post intervention, and follow up. And you n size and value. Uh, chi square value at uh, n is 30 uh, is 41.57. 2 is a degrees of freedom. Because we have 3 minus 1. Ho 41 is a test value and p is the. Uh, Our significance value. So median values showed decrease in fear of statistics from pre-intervention, uh, just come median 40, tha, to post-intervention, which median 38, tha, to the follow-up session, which was 35.5. So this is how you will be reporting, and um, you must be careful in choosing the test. Remember we have uh, gadgets, we have technology, we have very advanced softwares. But you, you are smarter than all the softwares because you have to select a, which test you will be choosing at what time, in which conditions, under what circumstances. So statistics scanner. Uh, statistics is a SPSS particularly a very smarter tool. Like in you should be more smarter. Kin situations may be parametric, non-parametric. कहाँ पे कोरोलेशन लगानी है कहाँ पे नहीं लगानी कहाँ पे स्पेयरमैन लगाना है कहाँ पे पियर्सन लगाना है तो आई होप कि द दिस विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट कि कब किन कंडीशंस के अंदर हम कौन सा टेस्ट यूज़ uh, करेंगे